आप निश्चिंदेह मैं आपकी कड़ी का सबसे छोटा भाई हूँ आपका, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आदमी से ज्यादा नहीं रहने दूंगा। आप जब चालू हो तो ये आप निश्चिंत रहना कि 9 बजे तक दूध चलता रहेगा, तुम थक जाओगे लेकिन मेरी गारंटी दूध खत्म नहीं होगा। पहली चीज आपकी, आप मेरी रीड की आपके लिए ही, तो आप इंजॉय करें लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रहें, थोड़ा दूर रहें और जो कोविड की पालना वो होती रहे। मैं चाहता हूं कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से आने वाले कल के लिए नशे की तरफ देखे ही नहीं। अगर ये चाहते दूर रहे, आप वहां भी खड़े हो सकते हैं, वहां भी चले जाए। और मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ, मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बड़ा, इसलिए सुचारू रूप से अपन आराम से, आप भी आएंगे कोई और आएंगे, 6:15 बजे हम लोग विधिवत जिन लोगों ने खेत तक फैल जाए मुझे काउंटर बढ़ाने होंगे बढ़ा देंगे। आप निश्चिंत रहे लेकिन दूर दूर फैल जाए एक बार, ये मेरी आपसे अपील है। मैं सबसे मिलूंगा, तो करने में बहुत से पीले रहे हैं, मैं चाहता हूँ पीलरों का सम्मान हो जाए। तब तक आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए भाई, मैं सबको दिखूंगा, लाइट चल रही है, लंबा थोड़ा हूँ, आप मुझे दिखोगे, रोज काम कर रहा हूँ। Thank you.
दूध नहीं मिलेगा। सभी लाइन से चले। सभी लोगों से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखें। सभी लाइन से चले। बिना लाइन से कोई आगे नहीं आएगा। जैसे पुलिस के लोगों ने लाइन की व्यवस्था की है, जो लाइन बनाई है उसी लाइन में आगे बढ़ते रहे और सभी लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, लाइन से चले। वो जिसने दूध ले लिया वो वहां से हट जाए, जिसने दूध ले लिया वहां से निकलते चले, आगे चले, आगे बढ़ते चले। जिन्होंने दूध का गिलास ले लिया है वो आगे निकल जाए, लाइन से रहे। पुलिस के सिपाही थोड़ा सा ध्यान दे, व्यवस्था बनाए भाई। एक बार व्यवस्था बन जाएगी तो आराम से। छोटे बच्चे उनको पहले आगे आने दे। इधर से दूध लेके सामने से निकल जाए। अशोक स्तंभ साइड से आए और आगे निकलते चले। होटलों की तरफ आगे निकले दूध लेके, उधर उस साइड से निकले, उस साइड निकले, आगे बढ़े, आगे लाइन से आए सभी लोग। आप लोगों के लिए ही नए साल के उपलक्ष्य में सीएलजी द्वारा ये व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता लगे हैं आपकी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए। हमारे पुलिस के जवान लगे हुए हैं, इसलिए हमारा कार्यकर्ता विष्णु भोजक तीसरी पट्टी है, वो मेरे से संपर्क करें। जहां भी हैं व्यवस्था में है तो संपर्क करें। टेप लेके आगे बढ़ते चले, वन बाय वन, एक के बाद एक निकलते चले आराम से। लाइन में रहे भाई, सभी लोग लाइन में रहे। छोटे बच्चे हेलो चलो चलो अरे सुन आगे भी जा रहा है मुझे हम लोग हेलो 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 हाँ
राज रतन ज्वेलर्स के संचालक रतनलाल जी आ गए हो तो मंच पे पधारे, अंदर पधार जाए। राज रतन ज्वेलर्स के संचालक प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलन करके, और साथ में ही व्यवस्थाओं में ध्यान दें, व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें, दूध बन के नए साल की शुरुआत, सभी लोग व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें। सुभाष बोस स्कूल के लिए राजीव पटेल और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदर्श भाई राजेश जी विद्रोही बधार गए, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे ऊपर इनके स्वास्थ्य को लेकर के, इनकी सुरक्षा को लेकर के, इनकी प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं चाहता हूँ सभी जिम्मेदारियों को मैं पूरी पूरी निभाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, किस तरह का भाईचारे के साथ रहें, सारी कम्युनिटी एक साथ रहें और स्वास्थ्य के प्रति सब लोग ज्यादा जागरूक रहे। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, प्रॉपर्टी और चीजें आपकी हर चीजें दोबारा आप स्टेबल कर सकते हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य के मामले में अगर आपने समझौता कर लिया और उसमें गिरावट आ गई तो आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल सर, सैल्यूट करूंगा आपको। कहीं सहायक सिद्ध हुए हैं, वैसे तो अपन सब लाडू के लिए इंपॉर्टेंट है,
मैं भी, आपकी और आप यहाँ जितने निवास कर रहे हैं वो भी, या जो निवास कर रहे हैं उनके रिश्तेदार भी श्रद्धालुओं के लिए ठीक सोचते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर भी मैंने कुछ लोग, कुछ डिपार्टमेंट के लोग जिनको रात को 12 बजे 1 बजे बाद भी आप फोन करते हैं तो वो अपनी ड्यूटी को बखूबी ठीक निभाते हैं, और पुलिस इन सब लोगों के तालमेल में साथ रहती है। मैं चाहता हूँ गए हुए कल में जिन लोगों ने भी लाड्डू के लिए अच्छा काम किया, जिन लोगों के कारण लाड्डू का वक्त से सीना छोड़ा हो गया हो, उन्हें मेरी तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से, लाड्डू के परिवार की तरफ से इस बीते हुए जो समय है हमारे साथ जो बिताया है उसके लिए एक छोटा सा पारितोषिक दिया है। ये उनके लिए बहुत ही कम है, लेकिन अब जैसे हैं वैसे हाजिर हुए हैं। आने वाले कल भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस कोविड जैसी महामारी में इन्होंने हमारा साथ दिया और इस लाडों को सेफ करने में, सुरक्षित करने में और मजबूत करने में इन्होंने सहयोग दिया, आने वाले कल में भी हम उम्मीद करते हैं वो तीन दूना और रात दोगुना अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे से कंधा मिला करके आपको सुरक्षा मुहिम कराएं, आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के विकास में, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे जलदाय विभाग से रिलेटेड हो, चाहे नगर पालिका से रिलेटेड हो, हमने कोशिश की है कि उन हीरों को छांट के बाहर लाने के लिए कि उनको लाएं और इस मंच पे इस 2021 में जो उन्होंने बेहतर काम किया है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी उनकी रही है और कहीं ना कहीं अपन पिछड़ गए हैं, तो अपन चाहते हैं उनका सबका सम्मान करें। लेकिन आप थोड़ा सा अनुशासन बना के रखें, जिन्होंने दूध भी लाडू के लिए जो आपने किया है पुलिस को हमारी सराहना है, थैंक यू वेरी मच। माननीय सुजयराम जी बाके साथ माल्यार्पण कर रहे हैं और तालियां जरूर बजाएंगे। अनुज तिवारी लोक गायक के रूप में मोटरसाइकिल और फेरी दे रहे हैं, उन लोगों की फोटोएं खींच खींच के उनके बारे में सारी सूचना मिले दी है, पुलिस के लिए बहुत उपयुक्त हुए हैं। तालियां तो बजाओ, तुम्हारी आपने पीछे चले, मेरा निवेदन हट जाए, भाई केंद्र आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रामेश्वर फोटो रुकवा की ले लो, चलो गाजी साहब, गाजी साहब आप पूरा, रघुवीर सिंह जी राठौर समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी, रघुवीर जी राठौर नगर के सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। रघुवीर जी राठौर सूर्जाराम जी भागवत जो समाज सेवी है और माननीय विधायक महोदय के पिता है, फौजी हैं, आपसे मैं निवेदन के आगे रहे, जनता क्या चाहती है, क्राइम में कैसा चल रहा है, तो आपको पूरा पुलिस परिवार धन्यवाद देता है, आप प्यार और समय ऐसे ही रहे, हमारे आप उतना अधिकारी है और साकी जी बहुत अच्छे, शांति व्यवस्था हो रही है, जो सवाल है सुरक्षा और शांति का उनकी देन है। नौशाद अली सिसोदिया नूर फाउंडेशन के संयोजक और युवा पार्षद, युवा समूह जीतू जी का हमारे रीजन वर्क रहा है, इसने मुजिमों को वोट पहुंचाने का काम रीजन के मामले में मैं भी लाडू पुलिस की रीढ़ की हड्डी हुई है, गोपाल जी बेहतर काम कर रहे हैं, मुजिमों को चलाते पीछे। देखिए जिनको सम्मानित के ताली बजाकर स्वागत करें, मैं ताली जोर से, हमने यहाँ कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी लिया है जो वाकई पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और उनका सामाजिक सरोकार में भी इसका रोल है, और पुलिस के लिए भी आधी रात को तैयार रहती है, नहीं है पुलिस के कोई वोट नहीं है, कोई नहीं है तो काम नहीं है, इसके लिए तैयार रहते। जयप्रकाश सैनी आगे आ जाए, भाई जयप्रकाश सैनी आज के तिवारी का जो अवार्ड पत्रकार की अच्छी से नहीं मिला है, अनुज तिवारी जी ने लोक कला काम है, लोक कला के कोई भी अवार्ड। जयप्रकाश जी सैनी जेपी रसगुल्ला हाउस लाडनू, और जब हमने काम किया शुरू तो हमने सोचा कि जिम्मेदारी में सुशील जी पीपलवा, थैंक यू जी, अभी भी आपका प्यार, सुशील शर्मा महिमा मेडिकल आ गया, दवाओं के जरिए सेवा की है। प्रकाश जी सोनी युवा सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये नहीं सोचे कि कौन है क्या है, मैंने जो भी बेहतर काम किया, शोकत खान, शोकत खान उमर फाउंडेशन से, या कोई साथी या कोई दोस्त या कोई भी मैंने बनाया हो किसी को नहीं, एक पार्षद को जरूर नजदीक बनाया, और
सुनीता जी बर... पीछे हो जाए कृपया, पीछे हो जाए थोड़ा से, जिन्होंने ले लिया वो सम्मान वो थोड़े आगे। इन जैसा कोई आदमी नहीं देखा, ये सच्चाई है। मैंने तीन फंक्शन देखे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के फंक्शन थे, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और 0% जो इन्होंने बोला 0% भी इधर उधर बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, ये मेरा सम्मान है। आप जैसे युवाओं में गलती सोच है, आप ये देखेगा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान की धर्म मजहब क्या भेदभाव किए भाई, रमजान ने बहुत अच्छा काम किया। उम्र कम, वजन कम, काम ज्यादा, काम ज्यादा। महेंद्र कुमार, थैंक यू वेरी मच सर, आप प्यार इसको अगर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तीन कामों में साथ चले तो महेंद्र जी का बड़ा रोल है और मैंने थाने में इनका स्वागत किया है। आज सार्वजनिक रूप निश्चित रूप से सर ये भूमिका रही है, बहुत ही सम्मानीय शिक्षक जिन्होंने सैकड़ों हीरे तैयार किए होने के बावजूद इस समाज सेवा में सर्वत्र आगे रहते हैं। श्री राम जी खीचड़ पंचायत समिति सदस्य निम्बी जोधा, और मुझे लगता है कि अगर इनका साथ नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता। किशन लाल जी सैनी राजकीय चिकित्सालय लाडलू, किशन लाल जी सैनी नेक्स्ट। गुरुमुख सिंह जी ब्रांच मैनेजर पीएनबी, डेड बॉडी हॉस्पिटल आती है तो सारे पेरेंट्स सोचते हैं जल्दी पोस्टमार्टम हो, बॉडी झड़ जाए और जो भी उसका धर्म की क्रियाक्रम है वो करें, उनमें बेहतर काम करते हैं। इन जैसा काम करना भी बहादुरी का काम है, इसके लिए जरूर ताली हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार आदर। डॉक्टर सेना राम जी आगे बता रहे हैं, जिसको निमंत्रण देने घर गए हो कि आपकी सेवा इतनी शानदार है। डॉक्टर सेनाराम जी फिजिशियन, बहुत अच्छी सेवाएं कोविड में भी, वैसे भी फार्म हाउस में गया और उसका बिना एक वीडियो डाला, आप ताजुब करोगे। 100 से ज्यादा अमेरिका से लोगों ने पूछा कि ये इंडिया में भी इस तरह की फ्रूट्स बनते हैं क्या, और दो पेटी सेव की मैंने खाई अनार की। अविनाश लोहिया, इन्होंने वाकई ही कृषि जगत में बड़ा काम किया है, उसके लिए इनको एक सम्मान मिल रहा है। अविनाश लोहिया आगे आ जाए, अविनाश लोहिया स्वागत। हाँ एक माला, थैंक यू। और सुशील जी पीपल, इन्होंने करवाई थी व्यापारियों के साथ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं जोरदार और सबको बता रहे हैं लाडू में भी ऐसी हुआ है। निवेदन करूंगा, देखिए मैं मेरे को किसी कहना नहीं पड़े, आप पीछे से अलग हो जाए भाई, ये जो बैनर है इसको सबको मौका मिलेगा एक अखबार के लिए फोटो। और माननीय सूर्यराम जी भाकर साहब से राजेंद्र के शाल्यार्पण करके स्वागत सम्मान करें। और अब द लाइव इसी क्रम में एक और विशिष्ट व्यक्ति थोड़ा सा आगे आ जाएगा, बैनर आएगा रन जी आगे जो थोड़ा आप इधर आ जाए। साफ साफ
ये राज रतन ज्वेलर्स के संचालक भाई रतन जी का स्वागत सम्मान और शाल्यापन सूर्याराम जी देंगे। ये अभिनंदन पत्र माननीय रतन जी का स्वागत सम्मान। आओ मेंबर साहब बिना जो फोटो करवा दे सभी लोग माननीय बीएलबीए साहब। माला दे भाई रतन जी दान मुराद खानी मुराद खानी मुराद खान जी का स्वागत सम्मान। और सुजानगढ़ का जो वोटर लगता है वहाँ डेथ हुई थी और वो एमपी का था। आप ये देखिएगा हम जहाँ फेल हो गए तब हमने इनका सहारा लिया और इनके जो व्हाट्सएप पे नेटवर्किंग था सेकंड डे शाम को हमें उसकी पहचान हो गई। और आप ये देखो उसकी पहचान होकर के उसकी सारे क्रियाक्रम के धर्म के हिसाब से इससे बड़ा क्या हो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी भी आत्मा को उसके अनुसार सब चीजें प्यार और मोहब्बत के साथ उसके रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो। इस टीम का बड़ा काम है। ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है आपके सुजला क्षेत्र में। मैं चाहता हूं आप हर आदमी इन टीम को अप्रिशिएट करें। इस तरह की कोई भी चीज इनकी हेल्प की है वो लेते रहे। आइडेंटिफिकेशन में एक कमाल का काम करते हैं। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि लाडनो सीएलजी पुलिस द्वारा आयोजित द लाइफ जनरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपने शिरकत की, जोर दिया और समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि नए साल की शुरुआत सिर्फ काम की शुरुआत शराब से नहीं जोर से करें जो मांगलिक होता है।